ईवीएम को लेकर बहुत सारे सवाल, आप जिस प्रदेश में भी जाए, जिस हलके में भी जाए, वहां सवाल उठ रहे हैं। लेकिन देश की राजधानी, जहां संसद है, जहां न्यायालय है, जहां सारे देश के बड़े नेताओं का अड्डा है, आखिर इस देश की डेमोक्रेसी को हो क्या गया है कि इतने बड़े सवाल पर ये संभवतः मेरी याददाश्त में पहली व्यवस्थित संगोष्ठी है, पहली। आखिर ईवीएम पर जब सब चिल्ला रहे हैं तो लोग उसे विमर्श का एक सक्रिय हिस्सा क्यों नहीं बना रहे हैं? तो इसलिए मैं न्याय भूमि को, दलित दस्तक को और इनके सभी साथियों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इसको इनिशिएट किया और ये जो आज पहल ली गई है, मेरा विश्वास है और जैसा प्रोफेसर विवेक कुमार ने कहा, यह एक बड़े राष्ट्रीय बहस का इसको मुद्दा बनाया जाए और एक प्रक्रिया की शुरुआत है। मुझे खुशी है कि इस प्रक्रिया का मैं भी हिस्सा बन रहा हूं। हालांकि हम जानते हैं कि इस वक्त देश में इस सवाल को उठाना कुछ लोगों की नजर में, जो इस देश को चला रहे हैं इन दिनों, उनकी नजर में कितना बड़ा अपराध है। यहां तक कि एक प्रदेश के हाईकोर्ट ने तो ये तक कह दिया एक जजमेंट में कि जो ईवीएम पर सवाल उठाएगा उसे अपराधी घोषित करके गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि बाद में उसको खत्म किया गया। तो ये तो हाल देश का। मैं अब असल विषय पर आता हूं। देखिए, अपने देश में ईवीएम की शुरुआत बड़ी रहस्यमय ढंग से और बड़े असंवैधानिक ढंग से होती है। ईवीएम जब चरण में नहीं था, पहली बार इसको जब लाया गया, ईवीएम का जब प्रयोग किया गया, तो देश के विधान के हिसाब से नहीं, कुछ लोगों की मर्जी से चुनाव आयोग ने केरल के एक विधानसभा क्षेत्र में इसको आजमाया। ये 1982 की बात है। बड़े आश्चर्य की बात है कि 1982 में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल हुआ, उसको फौरन चैलेंज किया वहां के एक कैंडिडेट ने, जिनको लगा कि हम चुनाव हार रहे हैं। लेकिन जब ये जो कानूनी जो जद्दोजहद है वो आगे बढ़ती, इसके पहले ही ये केस जो है विड्रॉ हो गया और वो कैंडिडेट जीत गया जो हारता हुआ अपने को फील कर रहा था। तो अब हम इसलिए इस उदाहरण को दे रहे हैं कि एक्चुअली ईवीएम आज जो संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है, ये मशीन, इस मशीन की भारत में शुरुआत ही फ्रॉड के साथ होती है। वो पहला फ्रॉड ये कि बगैर पब्लिक रिप्रेजेंटेशन जो एक्ट है, आपका लोक प्रतिनिधित्व कानून जिसको हम हिंदी में कहते हैं, उस कानून में संशोधन किए बगैर, ईवीएम को इंट्रोड्यूस किए बगैर उस कानून में इस देश में ईवीएम की शुरुआत कर दी गई। जब ये चीज चैलेंज हुई तब जाकर के हमारे देश के की उस समय की जो सरकार है, चुनाव आयोग है, इन सब को कंसल्टेशन के बाद जो अपना पीपल्स जो 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 एनपीआर एक्ट है जिसको लोग प्रतिनिधित्व कानून कहते हैं, इसमें 1988 में संसद ने ये कानून बना और पीआरए एक्ट 1951 में सेक्शन 61A जोड़ा गया। तो 61A जोड़ा गया, उसके बाद इसको 1998 में कुछ हलकों में ईवीएम का इस्तेमाल हुआ राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन मुकम्मल तौर पर जो 15 मार्च 1989 से जो ये कानून बना था, बहुत दिन तक इसको कई कारणों से पेंडिंग में रखा गया, क्योंकि लोगों को शक था कि कहीं जनता में विद्रोह न हो जाए, लोग नाराज न हो जाए और इस पर गंभीर सवाल न उठे, सरकार भी पशुपंज में थी। तो फुल फ्लेज्ड अगर देखा जाए तो सन 2004 के चुनाव में ईवीएम पूरे देश में इस्तेमाल की गई, इसके पहले स्टेट्स में कई जगह कुछ हलकों में की गई। लेकिन 2004 से 2009 में सबसे पहले जिस पार्टी ने ईवीएम पर सवाल उठाया पूरे राष्ट्रव्यापी स्तर पर, देशव्यापी स्तर पर, बड़े बड़े कैंपेन के तौर पे, एक बड़े अभियान के तौर पे उसको लिया, वो पार्टी इस वक्त देश की सत्ता चला रही है और ईवीएम की एकमात्र सबसे प्रबल समर्थक बनी हुई है। दिलचस्प बात है, ये कैसी ऐतिहासिक घटना है कि जो पार्टी 2009 में इलेक्शन कमीशन के यहां न्याय विधान के जितने तंत्र है सब जगह पिटीशन देती है, अपने एक बड़े बौद्धिक से किताब लिखवाती है,
उस किताब की भूमिका लाल कृष्ण आडवाणी जी स्वयं लिखते हैं, जो उस समय प्रधानमंत्री पद के दावेदार पार्टी के थे। और किताब जब आती है तो उसमें बताया जाता है मिशिगन यूनिवर्सिटी कहां कहां दुनिया भर की यूनिवर्सिटी में जितने शोध हुए हैं ईवीएम को लेकर और उसके फ्रॉड को लेकर, सब उस किताब में कोट किया जाता है। और वो लेखक थे जीवीएल नरसिंहा राव, हमारे मित्र ने उनका जिक्र किया। लेकिन मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि मुझसे और उनसे एक संवाद बड़ा दिलचस्प हुआ था इस बारे में। जीवीएल नरसिंहा राव बाद में, पहले ये जैसे हमारे देश में बहुत सारे लोग चुनाव सर्वेक्षण होते हैं, चुनाव सर्वेक्षण कराते हैं, और एक विद्या है, एक पद्धति है, हम इस पर दबाव नहीं बना रहे हैं। तो वो सज्जनिक चुनाव विशेषज्ञ या चुनाव के सर्वे कराते थे और बताते थे ईमानदारी 5-6 बार मैं कह रहा हूँ कि कौन पार्टी इस चुनाव को जीतेगी, कौन हारेगी, भारत में कैसे चुनाव सर्वेक्षण होते हैं आप समझ रहे हैं। तो वो सज्जन अचानक एक दिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बनकर आ गए टेलीविजन पर, राज्यसभा के माननीय सदस्य हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं। एक बार हुआ ये कि किसी टीवी चैनल पर इसी को लेकर चर्चा हो रही थी, चुनावी फ्रॉड को लेकर, बाई चांस मैं भी उस पैनल में था जहां उस टीवी चैनल पर चर्चा हो रही थी और वो माननीय भी थे। मैंने कहा कि भाई आज आप ईवीएम को डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन आपने तो ईवीएम पर किताब लिखी हुई है, क्या आप भी उस किताब को डिसोन करते हैं, क्या आप मानते हैं कि आपने इस देश के लोगों को या पूरी दुनिया में जो लोग पढ़ते हैं कोई चीज, केवल एक नेता का बयान नहीं है, आपने तो एक लेखक के तौर पे किताब लिखी है, कैसे अपने को डिफेंड कर रहे हैं, अरे अपनी किताब को भी डिफेंड कर रहे हैं, अपनी पार्टी को भी डिफेंड कर रहे हैं। उनके पास कोई जवाब नहीं था, पार्टी ने उनको अवार्ड किया, जिस तरह वो तमाम प्रश्नपत्र के बावजूद, तमाम परेशानियों के बावजूद डिफेंड कर रहे हैं पार्टी को, राज्यसभा का माननीय सदस्य बनाया, चलिए ठीक है। लेकिन हमारा ये कहना है कि ये जो तब्दीली आप में आई कि एक दिन आप ईवीएम के खिलाफ थे, आप ईवीएम के सबसे बड़े पैरोकार हैं, लोगों ने कहा कि 70% पार्टियां भारत की ईवीएम के खिलाफ हैं, मेरा ये मानना बिल्कुल नहीं है। मेरा मानना है कि इस देश की 98% पार्टियां ईवीएम के खिलाफ हैं। आप 98% दावे के साथ आप सारे प्रदेशों का सर्वे करा लीजिए, रीजनल पार्टीज को भी, कौन ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है बड़ी केंद्रीय स्तर पर या राज्य स्तर पर जो ईवीएम को आज पुरजोर ढंग से समर्थन दे रही हो, कोई पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी जिसने ईवीएम को इस देश में इंट्रोड्यूस किया, वो स्वयं अपने हाथ के सम्मेलन में तालकटोरा में वो बोल चुकी है, वो कह चुकी है कि वो तैयार है बैलेट पेपर के लिए वापस जाने के लिए। इससे ये भी साबित होता है कि कांग्रेस पार्टी ने भी इसका इस्तेमाल किया है। मैं ये कांग्रेस को कभी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बड़े निर्दोष लोग हैं। चिदंबरम का चुनाव आपको याद होगा, वो चिदंबरम का बहुचर्चित चुनाव, वो लगातार हार रहे थे और अचानक जीत गए। तीसरी बार आप रिकॉर्ड देख लीजिए, पी चिदंबरम साहब 3,000+ वोट से जीते थे, अगर किसके बारे में लगातार हार रहे थे। तो मैं ईवीएम के बारे में मैं भी पहले एक जर्नलिस्ट के तौर पर बिल्कुल इस तरह से सोचता था कि ये जो हारती है पार्टियां केवल सवाल वही उठाती है।